अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खौफ को हवा में उड़ाते हुए मुंबई में उसकी कोठी को नीलामी में बड़ी संख्या में लोगों ने बोली लगाई और सबसे ऊंची बोली लगाते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कोठी 3,51,00,000 रुपए में नीलाम हो गई। इस नीलामी की सबसे ऊंची बोली सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने लगाई और इसके साथ ही ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो गई। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने स्मगलर और फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत कुल 9 प्रॉपर्टी को सीज किया था। इसमें माफिया डॉन और आतंकी दाऊद इब्राहिम की भी एक संपत्ति थी। दक्षिणी मुंबई के पाक मोड़िया स्ट्रीट में अमीना बिल्डिंग 40,000 स्क्वायर फीट की 4 मंजिला इमारत है। ये दाऊद इब्राहिम के नाम पर थी। अब इस बिल्डिंग को सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने खरीद लिया है। इस प्रॉपर्टी के लिए कुल 25 लोगों ने बोली लगाई थी। सीधे मौके पर पब्लिक बोली में इसकी सबसे अधिक कीमत 1.91 करोड़ रुपए लगाई गई। सरकारी संपत्ति की बोली लगाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी R.N. डिसूजा ने कहा कि जितनी प्रॉपर्टी की नीलामी हुई उसमें सबसे ज्यादा कीमत दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी के लिए मिली है। इस नीलामी में हिस्सा लेने वाले लोगों ने साफ तौर पर कहा कि दाऊद का तिलिस्म अब खत्म हो चुका है और उन्हें कोई डर नहीं है। दाऊद के डर से उसकी संपत्तियों को कोई खरीदता था, लेकिन अब ये भय लोगों में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।